वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले गाइस सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाना और मैं आज का चैलेंज यहीं पर ही इंट्रोड्यूस कर लेता हूं, क्योंकि गाइस जो चैलेंज मैं कर रहा हूं यहां हर एक नए सब्सक्राइबर पर मैं ₹1 डोनेट करूंगा और जो लास्ट मंथ की डोनेशन थी गाइस उसका स्क्रीनशॉट आज के आज कम्युनिटी टैब पे आ जाएगा और आप देख लेना। मैंने इसलिए गाइस वीडियो में नहीं डाला क्योंकि कई बंदे जो है मिस कर लेते हैं, तो अभी ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाना। तो गाइस आज मैं इसलिए रश के अंदर हूं क्योंकि यहां पे कुछ खतरनाक चीज होने वाली है और यहां पे मुझे बाबा कुबेर ने मैसेज दिया हुआ है कि इविल गोलम्स आर बैक, क्राफ्ट द स्नेक नेदरराइट स्वॉर्ड क्विकली। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि भाई मैं कहां से नेदरराइट लेकर आऊंगा, कहां से मिलेगा कहां से नहीं मिलेगा। तो अभी एक काम करते हैं, फटाफट से अपनी हॉट पिकेक्स जो है गाइस क्राफ्ट कर लेते हैं, बिकॉज इसके बिना हमारा कोई गुजारा नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियसली यार ये नेदरराइट तो 10-10 की तादाद में देती है और हमारे पास ऑब्वियसली आर्मर वगैरह है। ये जो स्नेक स्वॉर्ड है यार ये बहुत ही खतरनाक स्वॉर्ड है और अगर ये आपको मिल गई तो आप वर्ल्ड के दुनिया के द मोस्ट पावरफुल इंसान बन जाओगे भाई माइनक्राफ्ट के अंदर। तो अगर आपको भी ऐसी स्वॉर्ड चाहिए तो अभी कभी लाइक बटन जरूर दबाना गाइस, लेट्स टेक इट टू 50,000 लाइक्स। और आप में से कई लोग कमेंट करते हैं कि आपने मॉड वगैरह नहीं दिया, तो पहले 50,000 लाइक्स हो जाएं तभी मैं मॉड रिलीज करूंगा। तो अभी एक काम करते हैं, यहां पे अपनी स्टिक्स बना लेते हैं और ये रखा भाई मैंने क्राफ्टिंग टेबल, ये बनाई मैंने अपनी हार्ट पिकैक्स और ये बकेट वगैरह भी मैंने ले लिया। तो अभी एक काम करते हैं, फटाफट से निकलते हैं और नेदर पोर्टल बनाते हैं क्योंकि ऑब्वियसली हमें उसकी सख्त जरूरत है। तो आपको तो पता ही है नेदरराइट तो नेदर के पोर्टल में ही मिलेगा और कहीं तो भाई हमें मिलेगा नहीं, लेकिन इसका भी जुगाड़ हमारे पास बहुत ही अच्छे तरीके से है। और अगर आप बहुत टाइम से देख रहे हो तो ऑब्वियसली गाइस आपको भी पता है कि ये जुगाड़ कैसे मैंने किया हुआ है। तो आई डोंट नो गाइस यहाँ पे इविल गोलम्स कैसे आ गए, कहाँ से आ गए, ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा भाई, ये कहाँ से निकले, कहाँ से इन्होंने मुझे पकड़ा और ये मेरे दुश्मन वगैरह कैसे बन गए। ये भाई मेरा बन चुका है ढेर सारा ऑब्जिडियन, आपने कभी भी ऐसी पिकैक्स नहीं देखी होगी कि इतना जल्दी ये ऑब्जिडियन माइन करती है। तो अभी यहीं पर ही नेदर पोर्टल बना लेते हैं, देयर वी गो, ये सिम कार्ड वाला नहीं बनाएंगे और प्रॉपर नेदर पोर्टल आज बनेगा, मतलब कि हमेशा कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा ब्लॉक मेरे से लगी जाता है। सो लेट्स गो टू द नेदर पोर्टल राइट नाउ। और अभी एक काम करते हैं, स्वॉर्ड अपने हाथ में हमने ले लिया और गाइस यहां पे मैं हमेशा की तरह नेदर फोर्ट्रेस के अंदर स्पॉन हो चुका हूं और यहां पे ढेर सारे ब्लेज वगैरह भी, ओ भाई साहब गिर गया यार नीचे। तो अभी एक काम करते हैं, यहां पे बाबा कुबेर ने भाई मुझे थोड़ी सी इंडिकेशन दी हुई थी कि नीचे जाके तुझे कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अरे यार ये पिगलिन कहां से आ गया बब्बुआ, यार बख्श दो, यार बख्श दो, क्यों इतना पीछे पड़े रहते हो यार। तो अभी एक काम करते हैं, ये मैंने लगा दिया और मुझे उसने बोला था कि फोर्ट्रेस के नीचे ही कुछ ना कुछ माइन करता जा तुझे मिल जाएगा। मामा यहां पे तो लावा मिला हुआ है यार, ये क्या हो रहा है भाई, अबे लावा से जलाने का मोटिव था क्या इसका, ये बहुत ही धोखेबाजी कर रहा है आजकल। तो अभी एक काम करता है, यहीं पर ही कहीं एंशिएंट डिब्री भाई मुझे मिल जानी है, यहीं पर ही कहीं पर गाड़ी होनी है उसने। अरे यार ये तो फिर से लावा भाई, यहाँ पे लावा आई जा रहे है यार, ये आज मुझे ठोकने की प्लानिंग चल रही है। तो अभी एक काम करता है, यहाँ पर थोड़ा सा माइन कर लेते हैं, यहाँ पर भी नहीं है, इधर थोड़ा सा माइन कर लेते हैं। ओ माय गॉड गाइस फाइनली मिल चुकी है एंशिएंट डिब्री और यहाँ पे तो भाई लावा वगैरह बहुत ही ज्यादा, तो इधर से निकलना पड़ेगा मुझे जल्द और बाहर ही मेरा पिगलिन जो है वेट कर रहा है भाई मुझे उड़ाने के लिए अपने क्रॉसबो के साथ। तो अभी एक काम करता है, यहाँ पे उड़ जाते हैं। ओ माय गॉड नो मारियो मत भाई मारियो मत, बस मारियो मत। तो गाइस अभी हम अपने विलेज के अंदर आ चुके हैं, मेरा क्राफ्टिंग टेबल कहाँ है, आई थिंक वो मैंने नेदर पोर्टल के पास लीव कर लिया था, लेकिन हमारे पास फिर से गाइस क्राफ्टिंग टेबल आ चुका है। वेल अभी हमें क्राफ्टिंग टेबल से कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा एंशिएंट डिब्री को जो है माइन करना है और हमें स्मिदीज के पास जाना होगा ताकि हम अपना आर्मर वगैरह जो है ना गाइस अपग्रेड कर सके। तो अभी एक काम करते हैं, यहाँ पे मुझे ढेर सारी नेदरराइट की स्वॉर्ड्स बनानी पड़ेंगी, स्पेसिफिकली अगर मैं आपको नंबर बताऊं तो 8 स्वॉर्ड जो है गाइस मुझे बनानी पड़ेंगी। यहाँ पे तो मुझे एक ही डायमंड की स्वॉर्ड मिली हुई यार, मैं भूल ही गया था कि गाइस यहाँ पे स्मिदी के पास जाके हमें डायमंड की स्वॉर्ड अपनी अपग्रेड करनी होगी। तो आई थिंक यहाँ पे इस चीफ की बिल्डिंग के अंदर कुछ ना कुछ हो यार, मैं बस कह रहा हूँ गाइस अगर इसके अंदर कुछ ना कुछ हो तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा काम आसान हो जाएगा। तो अभी एक काम करते हैं, ऊपर चलते हैं यार, बाबा कुबेर प्लीज हेल्प मी आउट, विश मी लक गाइस, विश मी लक, 3-2-1, अभी का भी लाइक का बटन दबाओ, अभी का भी सब्सक्राइब का बटन दबाओ। और गाइस यहां पे 8 की 8 स्वॉर्ड मुझे मिल चुकी है और सामने मुझे गोल्डन एन्चेंटेड एप्पल भी मिल चुका है। तो गाइस अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, मेरा इंस्टाग्राम स्क्रीन के ऊपर है, डिस्क्रिप्शन में भी है, तो जाके मुझे फॉलो जरूर करना। तो अभी एक काम करते हैं, स्मिति से सब कुछ अपग्रेड करके निकलते हैं। ये चढ़ गया
गया मेरा नेदरराइट स्मिथी के टेबल के अंदर और ये मेरी नेदरराइट की स्वॉर्ड्स बनी जा रही हैं भाई। बनाओ बनाओ जितना मर्जी हो सके भाई, माल बनाओ। एक काम करते हैं, अपनी डायमंड की स्वॉर्ड जो अपने पास ही रख लेते हैं, वैसे इसकी इतनी जरूरत तो पड़ेगी नहीं। और लेकिन फिलहाल अभी हमें आर्मर अपना भी अपग्रेड करना होगा, क्योंकि ये आर्मर जो है ना मुझे बहुत ही तगड़ा आर्मर देगा, क्योंकि आपको तो पता ही है गाइस मेरे पास एक सीक्रेट रेसिपी है। तो अभी एक काम करते हैं, जो जो चीजें वैसे मुझे नहीं चाहिए वो मैं अभी अंदर रख रहा हूँ। अभी तो भाई मुझे हॉट पिकेक्स की भी कोई जरूरत नहीं है और ये फ्लिंट एंड स्टील भी भाई मैंने यहाँ पे रख दिया। फटाफट से गाइस अभी हम अपने क्राफ्टिंग टेबल के पास चलते हैं और अपना पावरफुल वाला ओपी आर्मर क्राफ्ट कर लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर है भाई प्रोटेक्शन 1000। और ये गया मेरा आर्मर अंदर, आर्मर ऑर्ब मुझे मिला एंड देयर वी गो प्रोटेक्शन 2000 गाइस। वारी भाई मुझे नेदरराइट का आर्मर मिला हुआ है। और गाइस स्नेक स्वॉर्ड को क्राफ्ट करने के लिए आपको बस यहां पे 8 स्वॉर्ड रखनी है साइड में और आपको मिलती है स्वॉर्ड स्नेक, जिसका अटैक डैमेज है 124000। मतलब कि अगर एक ही बारी में 10 एंडर ड्रैगन को भी भाई मैं उड़ा सकता हूं। तो अभी एक काम करते हैं, इसकी पावर्स मैं आपको दिखा देता हूं। तो अगर मैंने गाइस ये किया तो यहां पे मेरा हेल्पर जो है ना स्पॉन होगा और ये एक्टिवली स्नेक की तरह यस गाइस स्नेक की तरह यहाँ पे स्वॉर्ड वगैरह फेंकता जाएगा, तभी तो इसका नाम गाइस स्नेक रखा हुआ है। और ये एनिमीज वगैरह को बिल्कुल खतरनाक लेवल पे टारगेट करेगा और उनको फॉलो भी करेगा। और नेक्स्ट पावर जो है गाइस ऑब्वियसली आपने देख ली होगी, जो है टरेट। तो गाइस यहाँ पे मैं स्वॉर्ड की टरेट भी फेंक सकता हूँ बिल्कुल स्नेक वे में। तो अभी ये काम करता है, यहाँ पे वो देखो गाइस, वो रही डॉल्फिन, ये मैंने उड़ा दिया गाइस डॉल्फिन को। और मुझे खाने पीने की गाइस अब बिल्कुल कोई भी जरूरत नहीं है, हमें रीजनरेशन वगैरह मिल चुकी है। और यहाँ पे जितने ज्यादा हेल्पर्स हो सकेंगे गाइस अभी हम यहाँ पे स्पॉन करेंगे। ऑब्वियसली वी नीड हेल्प, यहाँ पे पता नहीं इविल गोलम कब आने वाले हैं कब नहीं आने वाले, लेकिन उससे पहले यहाँ पे विलेजेस वगैरह से बात कर लेते हैं, उनको समझा देते हैं, क्योंकि गाइस इविल गोलम्स ये इनके पीछे पड़ेंगे। हाँ चीफ, तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो यार? हाँ तुम एक काम करो, तुम दोनों इस कमरे के अंदर बंद रहो और यहाँ पे मैं तुम्हें बस ब्लॉक ही कर लेता हूँ। देयर वी गो, यहाँ पे इनको तो गाइस मैंने ब्लॉक कर ही दिया, ये हो गए बंद। इसको भी भाई यहाँ पे, अबे यार कहाँ पे जा रहा है मामा, कहाँ पे जा रहा है, अबे कहाँ पे जा रहे हो तुम? एक मिनट तुम्हें ब्लॉक तो करने दो, अबे तुम्हें ब्लॉक तो करने दो, अबे तेरी तो अबे यार मेरे, वाह भाई निकल गए नमूने, ये निकल गए यार, ये बहुत ही समझदार लोग हैं। लेकिन चलो अगर इनको मरना है तो मरने देंगे, लेकिन अभी हमें काम करते हैं, यहाँ पे अभी हमें गाइस वेट करना है जब तक आयरन गोलम आते हैं। तो आयरन गोलम पता नहीं, अबे चीफ निकल जा अपने घर के अंदर, बैठ जा, मैं कह रहा हूँ चला जा अपने घर के अंदर, कितना समझाऊं तेरे को, तेरा चश्मा टूट जाएगा यहाँ पे। इसको तो भाई बिल्कुल समझ नहीं है। तो अभी एक काम करते हैं, यहाँ पे बस लाइब्रेरी के अंदर ही हम वेट करते हैं और देखते हैं कि गाइस यहाँ पे आयरन गोलम कब आएंगे। A few moments later. यहाँ पे गाइस वो विलेजर दरवाजे के साथ खेल रहा था, बार बार ही यहाँ पे अंदर बाहर हो रहा था। तो अभी तक गाइस यहाँ पे आयरन गोलम्स तो आए नहीं, तो आई थिंक मुझे यहाँ पे फिर से ज्यादा वेट करना होगा। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ, अबे ये क्या भाई, अबे इविल गोलम इतने ज्यादा आ चुके हैं गाइस, ओ माय गॉड यार, यहाँ पे भाई घरों के ऊपर खड़े हुए हैं। अबे मारे भाई मुझे, मारे मुझे, मारे भाई, अबे ये स्वॉर्ड इतनी पावरफुल है फिर भी गाइस ये मर नहीं रहे। ओके इतने ज्यादा मैंने हेल्पर वगैरह अपने स्पॉन कर लिए ना कि गाइस ये देखो गाइस कहां पे जाके इनको मार रहे हैं। अबे तुम्हारी तो ऐसी की तैसी एक ही टच में तुम जा रहे हो, लेकिन इनका बॉस कहां पर है? अबे इनका बॉस ये रहा, अबे कहां पर है इनका बॉस? यहाँ पे गाइस जायंट गोलम, ओ माय गॉड, वो देखो बिल्कुल सामने जायंट गोलम भी खड़ा हुआ है। अबे यार तुम्हारी तो आ जाओ मारने के लिए आ जाओ भाई। बिल्कुल सर्कल के अंदर यहाँ पे मैं स्वॉर्ड वगैरह घुमा रहा हूँ, मेरे हेल्पर वगैरह जो है तुम्हें उड़ा देंगे, इतनी अब तुम चिंता मत करो। ये देखो मेरे हेल्पर वगैरह अभी स्पॉन हो चुके हैं, अभी तुम्हें उड़ाएंगे भाई, तुम चिंता मत करो। अरे यार ये तो मेरे पीछे पड़ गए भाई, ये तो मारने के लिए आ रहे हैं। अबे स्वॉर्ड मेरे ऊपर मत मार भाई, ओ गए। तो गाइस ये देखो ऑटोमेटिकली जा रहे हैं। तो ये एक और हेल्पर जो है मैंने स्पॉन कर लिया भाई, स्नेक स्वॉर्ड जो है मेरी बहुत ही खतरनाक है, लेकिन आई थिंक अभी मुझे ट्राई करना चाहिए कि मैं इस जायंट गोलम बॉस को पहले उड़ा पाऊं। ओके तो गाइस वन जायंट बॉस तो गया और यहां पे मेरी टरेट जो है बिल्कुल चालू है। अबे यार ये पीछे से कौन मारने के लिए आ रहे हैं यार, यहां पे केव के अंदर भी नहीं छोड़ रहे भाई। तुम्हारा आयरन कहां पे ड्रॉप हो रहा है? लेकिन मुझे आयरन तो मिल ही नहीं रहा। तुम्हें अगर मैंने नॉर्मली मारा होता तो भाई इतना ज्यादा मेरे लिए आयरन ड्रॉप हो जाता, लेकिन अभी तुम आयरन ड्रॉप क्यों नहीं कर? एक मिनट, इसने कुछ ड्रॉप किया, इसने ये चीज ड्रॉप करी भाई। अबे ये चीज क्या है? व्हाट इज दिस?
What is this, guys? अबे ये चीज क्या है भाई, ये ऑर्ब क्या चीज है यार, ये तो मुझे लेना ही होगा। अबे मेरी पावरफुल स्वॉर्ड जो है गाइज, यहाँ पे ऑब्वियसली मुकाबला तो जरूर कर रही है इन गोलम्स का, लेकिन यार ये तो मुझे भी मार रही है साथ साथ में। तो अभी एक काम करते हैं, ओह माय गॉड, गए 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 गए, और जायंट गोलम पहले तो भाई मैं तुझे उड़ाऊंगा। अबे यार ये तो बिल्कुल स्वॉर्ड मेरे ऊपर ही फेंक रहा है यार। अबे रिवर्स में आ रही है यार, मेरे ऊपर स्वॉर्ड आ रही है रिवर्स में। अबे ये मर क्यों नहीं रहा, कितना पावरफुल है भाई, कितने गेंडों की पावर है इसमें सच में यार। ओके ओके ओके, ये गया और इसको, अबे यार क्या खतरनाक नॉकबैक मार रहे हैं यार ये तो। ओके एक काम करते हैं, अभी यार थोड़ा सा लैग हो रहा है, और ये इसको तो भाई मैंने एक ही टच में मार दिया, और तुम्हें भी भाई मैं एक ही टच में मार दूंगा। यहाँ पे कितने ज्यादा ये ऑर्बीज जो हैं गाइस स्पॉन कर रहे हैं, ये आयरन गोलम के अंडे तो नहीं है ये गाइस, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। लेकिन आई थिंक अभी मेरा विलेज जो है ना इविल गोलम से सेव हो चुका है, और मैं अपने विलेजर्स वगैरह को देख लेता हूँ कि गाइस वो कहाँ पर है। अबे यार तुम किसको मार रहे हो, गोलम्स वगैरह को उड़ाओ। ओह माय गॉड, नो वे यार, मेरे सबके सब, ओ या विलेजर मेरे सेव है। तो गाइस आई थिंक इस वीडियो के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।